तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन में तुम देखोगे, यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी ए ऑब्जर्व ए बी सी डी, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें चार क्वांटिटी ए बी सी डी है। परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर इतना, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन ए। अगर तुम देखोगे परसेंटेज एरर इन ए बी सी, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए और मल्टीप्लाइड बाई 100, इसका मतलब ये हुआ टू टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स डेल्टा ए, परसेंटेज एरर यहाँ से 1% इसमें की एरर आ रही है, प्लस ये 3 बी, मतलब इसमें 3% की एरर आ रही है, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इसमें 2% की एरर आ रही है, प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इसमें 2% की एरर आ रही है। ठीक है, तो इसको फाइनली जोड़ोगे तो यहाँ से 2% प्लस यहाँ से 9% की एरर आ जाएगी, प्लस यहाँ 2% की एरर आ जाएगी, प्लस यहाँ 1% की एरर आ जाएगी, तो 9 1 10 और 4 14, मतलब 14% की एरर आ जाएगी। तो ये जो है डी ऑप्शन अपना सही हो जाता है, बाकी गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।